लास्ट क्लास ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10. क्या करना है अपने को, 10 के जो पास में 10 के पास वाले नंबर अपने को देखने हैं, 10 के जो क्लोज नंबर है वो अपने को देखने हैं. जैसे देखिए, लुक एट द नंबर 37 एंड 44 ऑन द नंबर लाइन. अपने पास एक नंबर लाइन दी हुई है 30, 37, 40, 44, 50, 60. इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है 15, 14 एंड 16. तो आपको क्या करना है, 14 एंड 16 के नियरेस्ट नंबर बताने हैं, 14 और 16 के नियरेस्ट नंबर बताने हैं. ठीक है, तो 14 और 16 के नियरेस्ट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं. 14 का नियरेस्ट नंबर होगा 10, क्योंकि देखो 14 में अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर आएंगे 10. ठीक है, बट अगर 14 में अपन 6 ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आएंगे 20. तो बताइए 4 और 6 में से स्मॉल नंबर कौन सा है, 4 है. इसलिए 14 का नियरेस्ट नंबर क्या है, 10 है. 20 नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास में है. 14 के ज़्यादा पास में कौन है, 10. क्योंकि 6 20 के लिए तो 14 को 6 और ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए ये तो क्या हो गया 20 तो क्या हो गया 14 से थोड़ा दूर हो गया. ठीक है, थोड़ा दूर हो गया. फिर देखिए 16 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 10 या फिर 20. तो कैसे पता करेंगे, 10 के लिए तो देखो 16 में अपने को 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तब अपने पास 10 आएंगे. और 20 बनाने के लिए 6 में 4 ऐड करने पड़ेंगे, तब अपने पास 20 आएंगे. तो बताइए 6 और 4 दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा होता है, 4 होता है. इसलिए 4 क्या है, इसलिए 20 क्या है, इसका नियरेस्ट नंबर है. क्या है, नियर नंबर है. ठीक है, पास वाला नंबर क्या है, 20 है. 10 नहीं कह सकते क्योंकि 10 के लिए तो 6 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. इसलिए कोई भी डिजिट आ जाए, जैसे 32 डिजिट आ गई. अब मैं आपको आस्क करूं कि 32 नियरेस्ट नंबर कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, 30 है या फिर 40 है. क्योंकि या तो 30 के नियरेस्ट नंबर 30 हो सकते हैं या फिर 40 हो सकते हैं. 50 तो हो नहीं सकते क्योंकि 50 तो बहुत दूर आ जाते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. तो क्या करेंगे अपन, देखेंगे 30 में पहले 32 को 30 बनाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएंगे 30. और 34 बनाने के लिए 32 में अपने को 8 ऐड करने पड़ेंगे, तब आएंगे 40. तो बताइए 2 और 8 दोनों में स्मॉल डिजिट कौन सी है, 2 है. 2 है ना, इसलिए जो स्मॉल डिजिट होती है वही उसका नियरेस्ट नंबर होता है, क्लोजर नंबर होता है. जो 32 का क्लोजर नंबर क्या है, 30. आर यू अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट देखिए, जैसे बुक के एग्जांपल से अगर अपन देखें तो 37 एंड 44 का क्लोजर नंबर अपने को बताना है. क्या बताना है, क्लोजर नंबर बताना है अपने को. तो देखिए 37 जो है वो 30 एंड 40 के बीच का नंबर है. क्या है, 30 और 40 के बीच का नंबर है. तो अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो 37 है वो 40 के पास में है या फिर 30 के पास में है. तो कैसे पता करेंगे, जैसे देखिए अगर 37 को 30 बनाने के लिए 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 37 को 30 बनाने के लिए तो अपने को 37 में 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब 30 बन जाएंगे. लेकिन 37 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 3 ऐड करना पड़ेगा और ये 40 बन जाएगा. तो बताइए 7 और 3 दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा होता है, 3 होता है. देखिए 7 और 3 में स्मॉल नंबर कौन सा होता है, 7 होता है. ठीक है, 7 क्या होता है, स्मॉल नंबर होता है. सॉरी, 7 और 3 में से स्मॉल नंबर होता है 3. क्या होता है, 3 होता है. और लार्ज नंबर होता है 7. तो जो स्मॉल नंबर होता है वही उसके क्या होते हैं, क्लोजर नंबर होते हैं. तो स्मॉल नंबर 3 है, इसका मतलब 40 क्या है, इसका क्लोजर नंबर है.
फिर बात करते हैं अपन 44 की। 44 जो है 40 और 50 के बीच का नंबर है। किसका नंबर है? 40 और 50 के बीच का नंबर है। तो देखो 44 को 40 बनाने के लिए तो क्या करने पड़ेंगे, 44 में 44 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और बन जाएंगे 40। और 50 बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, 44 में अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, तब ये बन जाएंगे 50। ठीक है, 44 को 50 बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा तो ये 50 बन जाएंगे। तो अब बताइए 4 और 6 में स्मॉल नंबर कौन सा है, 4 है। इसका मतलब 44 का जो क्लोजर नंबर है वो क्या है, 40 है, क्योंकि स्मॉल नंबर ये है ना, इसलिए ये क्लोजर नंबर क्या है, 40 है। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज ई की। ठीक है, अब एक्सरसाइज ई में देखिए 52 पहले 52 का देखते हैं। तो 52 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है 52? देखो 52 कहाँ पे आएगा, 50 और 60 के बीच का नंबर है 52। तो अब बताइए 52 को 50 बनाने के लिए क्या करेंगे, 52 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बन जाएगा 50। और 52 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें ऐड 8 ऐड करेंगे और बन जाएगा 60। अब देखिए 2 और 8 कितना डिफरेंस है दोनों में, 2 तो क्या है बहुत ही स्मॉल नंबर है और 4 क्या, 8 क्या है लार्ज नंबर है, क्या है लार्ज नंबर है। तो बताइए 2 और 8 में क्या है, स्मॉल कौन सा है, 2 है। तो जो है 52 का क्लोजर नंबर क्या है, नियरेस्ट नंबर क्या है, 50। कौन सा है, 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 50। ओके, अब बात करते हैं 69 की। तो देखिए 69 60 और 70 के बीच का नंबर है। ठीक है, अब 69 को 60 बनाने के लिए तो इसमें 9 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, 9 हटाने पड़ेंगे तब जाके 60 बनेगा। बट 70 बनाने के लिए तो ओनली 1 ऐड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 17। तो बताइए 9 और 1 में स्मॉल कौन सा है, 1 है, क्योंकि 1 ही ऐड करना पड़ रहा है और 70 बन गया। इसका मतलब जो है 69 का क्लोजर नंबर कौन सा है, नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 70। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 70। फिर देखिए 358। अब देखिए 358 है, ये 350 और 360 के बीच का नंबर है। क्या है, 358 जो है वो 350 और 360 के बीच का नंबर है। ठीक है, अब 358 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये बन जाएंगे 350। और 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 4 358 में 2 ऐड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 360। तो बताइए 8 और 2 दोनों में से स्मॉल कौन सा है, 2 है, तो ये कौन सा है इसका नियरेस्ट नंबर, कौन सा, 360। तो आंसर क्या आएगा, 360। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर डी की, 243। तो देखिए 243 जो है 240 और 250 के बीच का नंबर है। क्या है, 240 और 250 के बीच का नंबर है। तो बताइए 40 बनाने के लिए तो 3 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और 240 बन जाएगा, और 50 बनाने के लिए अपने को कितने ऐड करने पड़ेंगे, 7 ऐड करने पड़ेंगे तब जाके ये बनेगा 250। इसलिए 3 और 7 में स्मॉल नंबर है 3, तो ये क्या है इसका क्लोजर, नियरेस्ट क्लोजर नंबर है 340। तो इसका आंसर आएगा 240। क्या आएगा इसका आंसर, 240 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई 356 एंड 360 के बीच का नंबर है 356। तो बताइए इस 56 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को कट करना पड़ेगा, और 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 और 4 में स्मॉल कौन सा है, 4 है, तो इसका क्लोजर नंबर क्या है, 360। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एफ
518। तो 18 को 10 बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 8 कट करना पड़ेगा, और 20 बनाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 बिल्कुल स्मॉल नंबर है, तो 520 इसका नियरेस्ट नंबर है, क्लोजर नंबर है। फिर देखिए 493 को 500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा, एंड 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कट करना पड़ेगा। तो इसका जो क्लोजर नंबर है 490, इसका क्लोजर नंबर बताइए 760, क्योंकि 60 के लिए ओनली 3 ऐड करने पड़ रहे हैं तब 60 बन रहा है, और 50 बनाना होता तो 7 कट करना पड़ता। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या है, नियरेस्ट नंबर है, क्या है, नियरेस्ट नंबर है। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडेज, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।